इसराइल और हमास के बीच जंग में अब पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। हमास के हमले से शुरू हुई ये जंग अब कब थमेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जंग के शुरुआती दौर में इसराइल ने अपने हमलों से गाजा में जबरदस्त तबाही मचाई और कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन जैसे जैसे जंग तेज हुई इसमें नए नए मोड़ आते गए और इसराइली बलों के लिए हर दिन अब किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। और IDF गाजा के जिन इलाकों से आगे बढ़ चुकी थी उसे आज फिर वहीं पर आकर हमास और उसके प्रतिरोधी गुटों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में इजरायली मीडिया ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में हताहतों की सूचना दी है, जिसमें एक उच्च रैंकिंग अधिकारी भी शामिल है जिसे इजरायली कब्जे वाले बलों ने शुक्रवार देर रात दक्षिणी वेस्ट बैंक में अल खलील के पास गुश एडजियन और करमेड जूर बस्तियों को निशाना बनाकर हमला किया गया। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि गुश एडजियन में दो सुरक्षा घटनाएं हुई और इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन को अंजाम देने वाले स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, और साथ ही ये भी बताया कि ये निर्धारित करना संभव नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं। इसके बाद इजरायली कब्जे वाले बलों के प्रवक्ता ने इजरायली मीडिया द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार किया और इस बात की पुष्टि की, जबकि कब्जे वाले आर्मी रेडियो ने पुष्टि की कि एडजियन क्षेत्रीय ब्रिगेड के कमांडर एक कर्नल दोहरे ऑपरेशन के दौरान घायल हुए दो लोगों में से एक थे। इसके अलावा इजरायली अखबार येदियोत एहरोनॉट ने इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का हवाला देते हुए बताया कि अपराधियों ने रूट 60 पर दो कारें चलाई, जिनमें से एक गश एडजियन में एक गैस स्टेशन की ओर जा रही थी और दूसरी कारमेइड जूर की ओर। दरअसल इजरायली सेना का मानना है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसी कड़ी में येदियोत एहरोनॉट की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि इजरायली सेना दोनों घटनाओं के बीच संबंध में तेजी से विश्वास कर रही है और इसकी जाँच कर रही है। वहीं इजरायली चैनल कान ने बताया कि कार जो करमेइड जूर में घुसी थी उसमें बम लगा हुआ था और बस्ती के अंदर विस्फोट हो गया। हालांकि ऑपरेशन के बाद इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने अल खलील प्रांत पर घेराबंदी कर दी थी और करमेइड जूर बस्ती में अतिरिक्त बलों की तैनाती की घोषणा की, साथ ही क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाए गए। इजरायली मीडिया ने बताया कि हेब्रोन ब्रिगेड के कमांडर ऑपरेशन के स्थान पर पहुंचे और एक फील्ड ऑपरेशन रूम की स्थापना का खुलासा किया, जिसमें मुस्तैरिबीन यूनिट, अंडरकवर यूनिट, शीन बेट की फील्ड ऑपरेशन, मैगलान और दुवेदन यूनिट की टीमें शामिल थी। इसके साथ ही फिलिस्तीनी स्थानीय मीडिया ने पुष्टि की कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने अल खलील में प्रवेश द्वार बंद कर दिए थे, विशेष रूप से उस क्षेत्र के दक्षिण में जहाँ ऑपरेशन हुआ था और हेलीकॉप्टर की मदद से सैन्य बल तैनात किया गया था। हालांकि दोनों ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद हमास की सैन्य शाखा शहीद इज एड दीन अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें लिखा था कि प्रतिक्रिया आपको गर्वित पश्चिमी तट के दक्षिण से मिली है और इस बात पर जोर दिया कि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।